पट रानी जो आठ उनकी बेहती रानी थी जी, और 1600 पट रानियां थी। पट रानियां का मतलब पटा करके उनको लाए थे। अच्छा, अब उसको ये क्या कहते हैं कि अरे वो सब उनकी भक्त थी जी। तो उनको रानी क्यों कहते हैं कि 1600 पट रानियां थी। अच्छा, पट का तो यही होता है कि पट का अर्थ ये होता है कि जो पटाया जाता है जी। चित का अर्थ होता है कि जो ब्याह के लाया जाता है जी। ये उनकी भाषा है। अब चूंकि यादव समाज से मैं भी हूं जी। मेरी बात का काफी कष्ट मेरे ही समाज के लोगों को होता है कि कुल त कुल कन्हैया जी का भी विरोध करना जी। मानना और पूजना उसे चाहिए जो आपके लिए लड़ा है जी। कन्हैया जी यादवों के भगवान थे, लेकिन अखिलेश यादव की कुर्सी धो गई कि ये शूद्र है जी। तो जब कन्हैया जी भगवान थे तो इस देश में यादव पटेल कुर्मी ये शूद्र कैसे हो गए जी। तो आपने जो सवाल किया कि इनसे ये न्योता क्यों नहीं करते हैं? जी सर, एक क्वेश्चन। इसलिए न्योता नहीं करते हैं, न्योता आप तो करते हैं, पहले नहीं करते थे, क्योंकि हम लोग शूद्र हैं, एकदम नीच कास्ट के हैं जी। हम लोग ब्रह्मा के तारु से पैदे जी। लेकिन चूंकि अब थोड़ा सा ऊंच सेवा बर्दाश्त के लिए उन्होंने हमको कर दिया जी सर। मगर सर ऐसा है कि चमारों के घर ब्राह्मण भोजन क्यों नहीं करता है? ऐसा अभी अरे भाई है। वो अति शूद्र हैं जी, उनको अति शूद्र बनाए हैं। उनको उनको भी तो ईश्वर ने ही भेजा है उन लोगों ये तनी कहां के होके ज्ञान बहु। इतना ध्यान किसी को हो जी कि सारे लोग माँ के वद्र से ही पैदा होते हैं ना जी। लेकिन इसमें शूद्र महाशूद्र अति शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश ये सब जो बनाए गए हैं, ये पंडित जी लोगों के द्वारा बनाए गए हैं। जिस दिन समाज यही बात समझ लेगा, बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहे थे, तथागत बुद्ध क्या कहे थे, संत कबीर संत रैदास इन लोगों ने क्या कहा था, इसी चीज को उन लोगों ने भी यही लड़ाई लड़ा जी। कि इस देश में इंसान जात बनकर पैदा नहीं होता है जी। धर्म लेकर पैदा नहीं होता है जी। इंसान धर्म में पैदा होता है और जात में पैदा होता है जी सर। ये कौन लेकिन से पैदा होते समय ना वो किसी धर्म का होता है, नहीं किसी जात का होता है जी। सर ये कौन से भगवान है जो लोग दलितों घर खाने पे वो लोग उन लोग क्रोधित हो जाते हैं, अधर्मी साबित हो जाते हैं वो लोग, क्यों चमारो घर मत खाओ नहीं तो अधर्मी हो जाओगे? अरे यार ये सिस्टम है जी। पंडित जी लोगों ने ये सिस्टम बना दिया है जी। क्योंकि मैं तो धन्यवाद करता हूँ कि इस देश का चमार जी ये कैसी कौम है जी कि अगर आज ब्राह्मणवाद को डर कहीं से है जी तो केवल चमारों की वजह से। आज पुरातन इतिहास इस धरती पर जी रहा है तो केवल चमारों की वजह से। बाबा साहब अम्बेडकर तथागत बुद्ध संत रविदास संत कबीर और पेरियार रामास्वामी नायकर पेरियार ललई यादव ये हैं अपने ज्योतिबा राव फूले जी छत्रपति साहू जी महाराज शिवाजी महाराज ये सारे लोगों का इतिहास अगर आज धरती पर जी रहा है और आज सारे लोग जानने लगे इनको जी तो सिर्फ ये श्रेय देश के चमारों को ही जाता है जी। जो पढ़ेगा ही नहीं इतिहास उसको क्या मालूम है। चमार इतनी स्वाभिमानी जात है जी कि वो बिचारे कितना हूं विषमता झेल लेंगे लेकिन बहुत जल्दी भीख नहीं मांगेंगे जी। ये आप जान लीजिए। अब इसमें जो कैटेगरी बन गई एससी एसटी ओबीसी जी ये तीनों कैटेगरी भारत के मूल निवासी लोग जी और तीनों लोग एक खानदान से केवल इन्हें लड़ाने के लिए जी। इनके ऊपर राज कैसे किया जाएगा, जातियों में बांट दिए, धर्मों में बांट दिए, फिर सिस्टम में बांट दिए, लेकिन इसलिए अच्छी बात यह है कि उनके यहां नहीं खाते हैं और खाना भी नहीं चाहिए, इनको खिलाना भी नहीं चाहिए। अब तो इसमें कोई पूछ ही नहीं रहा, बहुत कंचित जो टोटल दिमाग से हीन व्यक्ति है
जिसे एकदम सोचने और समझने की क्षमता नहीं है जी, वही व्यक्ति केवल इनको पूछ। क्या सर आप यादव जात से आते हैं, क्या आप अपने गिलास में चमार को पानी पिला सकते हैं? अरे यार मैं खिलाता हूँ, चमार हो चाहे मुसलमान हो, लोग मेरे साथ मेरे थाली में मेरे साथ बैठ कर खाते हैं। मैं इस देश में जातियां नहीं मानता जी, वो चाहे मुसलमान हो मैं उसे इंसान मानता हूँ, चमार हो उसे मैं इंसान मानता हूँ, मुसहर हो मैं उसे इंसान मानता हूँ, धोबी हो खट्टी हो पासी हो मैं सबको इंसान मानता हूँ, मैं जात नहीं मानता। और जितने लोग मेरे साथ आते हैं, मेरे गिलास में पानी पीते हैं, मेरे कप में चाय पीते हैं, मेरे थाली में खाते हैं जी, यहाँ तो ये सब ये बना दिए कि इनको खिला सकते हैं लेकिन मुसलमानों को नहीं खिला सकते जी। और मैं तो मुसलमानों को भी खिलाता हूँ, और मैं उनके यहाँ जाता हूँ तो उनकी थाली में घर की तरह खाता भी हूँ जी, क्योंकि मैं धर्म नहीं मानता जी, मैं सिर्फ इंसानियत मानता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि सारे लोग इंसान हैं जी, ये है। ये जो बात को जान गए कि गलत है उसको भी सही मानने के लिए तैयार है जी। मैंने कई जगह पूछा था लोगों से कि मान लीजिए कृष्ण भगवान थे जी, जेल में पैदा हुए जी, और उनकी ऐसी कृपा हुई पैदा होने के बाद जी, कि पहरेदार सो गए, ताला खोल गया, बेड़ियां टूट गई, जमुना जी सूख गई जी, लेकिन बचने कहां गए? गोकुल जी में नंद क्या जी, जो भगवान है उनको डर है किसी से? नहीं सर, वो तो खुद ही उनको कैसे भगवान माना जाए जब वो स्वयं बचने के लिए डर से नंद क्यां गए जी। तो नंद क्यां पले बड़े हुए, ब्राह्मणों ने बता दिया कि यादवों के भगवान है क्योंकि यादव कुल से हैं, और यादव कुल में पैदा तो किसी और कुल में हुए, पालन पोषण यादव कुल में हुआ, अब यादव अपना भगवान मान लिए। अब उन पर जब स्मरण करते हैं तो आठ शादी भी उनकी हुई थी जी, और 1600 अतिरिक्त रानियां थी, पट रानियां जिसको कहते हैं जी। पट रानी का मतलब वही समझाते हैं जी, ये उनकी भाषा है। अब चूंकि यादव समाज से मैं भी हूं जी, मेरी बात का काफी कष्ट मेरे ही समाज के लोगों को होता है कि कुल तकुल ई कन्हैया जी का भी विरोध कहना जी, मानना और पूजना उसे चाहिए जो आपके लिए लड़ा है जी। कन्हैया जी यादवों के भगवान थे लेकिन अखिलेश यादव की कुर्सी धो गई कि ये शूद्र है जी। तो जब कन्हैया जी भगवान थे तो इस देश में यादव पटेल कुर्मी ये शूद्र कैसे हो गए जी? तो आपने जो सवाल किया कि इनसे ये न्योता क्यों नहीं करते हैं? जी सर, एक क्वेश्चन, इसलिए न्योता नहीं करते हैं, न्योता आप तो करते हैं, पहले नहीं करते थे क्योंकि हम लोग शूद्र हैं, एकदम नीच कास्ट के हैं जी, हम लोग ब्रह्मा के तारु से पैदे हैं जी। लेकिन चूंकि अब थोड़ा सा ऊंच सेवा बर्दाश्त के लिए उन्होंने हमको कर दिया जी सर, मगर सर ऐसा है कि चमारों के घर ब्राह्मण भोजन क्यों नहीं करता है ऐसा अभी? अरे भाई वो अति शूद्र हैं जी, उनको अति शूद्र बनाए हैं, उनको उनको भी तो ईश्वर ने ही भेजा है उन लोगों के। तनी कहा के हो के ज्ञान बहु, इतना ध्यान किसी को हो जी कि सारे लोग माँ के उदर से ही पैदा होते हैं जी, लेकिन इसमें शूद्र महाशूद्र अति शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये सब जो बनाए गए हैं, ये पंडित जी लोगों के द्वारा बनाए गए हैं। जिस दिन समाज यही बात समझ लेगा, बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहे थे, तथागत बुद्ध क्या कहे थे, संत कबीर संत रैदास इन लोगों ने क्या कहा था, इसी चीज को उन लोगों ने भी यही लड़ाई लड़ा जी। इस देश में इंसान जात बनकर पैदा नहीं होता है जी, धर्म लेकर पैदा नहीं होता है, इंसान धर्म में पैदा होता है और जात में पैदा होता है जी सर। ये कौन लेकिन से? पैदा होते समय ना वो किसी धर्म का होता है, नहीं किसी जात का होता है जी। सर ये कौन से भगवान है जो लोग दलितों घर खाने पे वो लोग उन लोग क्रोधित हो जाते हैं, अधर्मी साबित हो जाते हैं वो लोग, क्यों चमारो घर मत खाओ नहीं तो अधर्मी हो जाओगे? अरे यार ये सिस्टम है जी। पंडित जी लोगों ने ये सिस्टम बना दिया है जी।
क्योंकि मैं तो धन्यवाद करता हूँ कि इस देश का चमार जी ये कैसी कौम है जी, कि अगर आज ब्राह्मणवाद को डर कहीं से है जी तो केवल चमारों की वजह से जी। आज पुरातन इतिहास इस धरती पर जी रहा है तो केवल चमारों की वजह से। बाबा साहब अम्बेडकर, तथागत बुद्ध, संत रविदास, संत कबीर और पेरियार रामास्वामी नायकर, पेरियार ललई यादव, ये हैं अपने ज्योतिबा राव फूले जी, छत्रपति साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, ये सारे लोगों का इतिहास अगर आज धरती पर जी रहा है और आज सारे लोग जानने लगे इनको जी, तो सिर्फ ये श्रेय देश के चमारों को ही जाता है जी। जो पढ़ेगा ही नहीं इतिहास उसको क्या मालूम है। चमार इतनी स्वाभिमानी जात है जी कि वो बिचारे कितना हूं विषमता झेल लेंगे लेकिन बहुत जल्दी भीख नहीं मांगेंगे जी, ये आप जान लीजिए। अब इसमें जो कैटेगरी बन गई एससी एसटी ओबीसी जी, ये तीनों कैटेगरी जी भारत के मूल निवासी लोग जी, और तीनों लोग एक खानदान से, केवल इन्हें लड़ाने के लिए इनके ऊपर राज कैसे किया जाएगा। जातियों में बांट दिए, धर्मों में बांट दिए, फिर सिस्टम में बांट दिए, लेकिन इसलिए अच्छी बात यह है कि उनके यहां नहीं खाते हैं और खाना भी नहीं चाहिए, इनको खिलाना भी नहीं चाहिए। अब तो इसमें कोई पूछ ही नहीं रहा, बहुत कंचित जो टोटल दिमाग से हीन व्यक्ति है जी, जिसे एकदम सोचने और समझने की क्षमता नहीं है जी, वही व्यक्ति केवल इनको पूछ रहा है।